हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स रिसेंटली। तो हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है जिसके तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों को क्या दिया जाएगा दोस्तों, मोबाइल टैबलेट्स दिए जाएंगे फ्री में। दोस्तों ऐसी ही एक स्कीम अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च करी है, जिसके तहत वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मोबाइल फोन्स। याद रखिए दोस्तों, यूपी जो सरकार है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन यहाँ पे 10th और 12th के स्टूडेंट्स को देगी दोस्तों उत्तराखंड सरकार। कौन से? उत्तराखंड सरकार ने ये अनाउंस कराया है हाल ही में कि वो 10वीं और 12वीं के छात्रों को मोबाइल टैबलेट बांटेंगे। उत्तराखंड के दोस्तों गवर्नर हैं दोस्तों गुरमीत सिंह। कौन? गुरमीत सिंह दोस्तों। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और दोस्तों उत्तराखंड के अभी हाल ही में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन दोस्तों? उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तराखंड के कौन बना है ब्रांड एम्बेसडर, किसको बनाया गया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। उत्तराखंड की एक सेंचुरी न्यूज में रही थी जिसका नाम था क्या, साइकोथ। क्या दोस्तों? साइकोथ, जिसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया दोस्तों, याद रखिए। और उत्तराखंड की दो कैपिटल है कौन सी, देहरादून और गैरसैन। गैरसैन समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है, याद रखिए दोस्तों। नागालैंड में हाल ही में आफ्सपा जो है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन, याद रखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सप्लाइड 5 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस टू विच कंट्री रिसेंटली। तो हाल ही में भारत ने 5 लाख कोविड वैक्सीन कौन से देश को सप्लाई करी है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान को हाल ही में भारत ने 5 लाख कोविड वैक्सीन भेजी है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और बांग्लादेश में हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट ने विजिट करा था, बांग्लादेश लिबरेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने विजिट किया था, और उन्होंने ही बांग्लादेश में एक मंदिर का भी क्या करा था, इनॉग्रेशन किया था। क्या दोस्तों? इनॉग्रेशन किया था, याद रखिए दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, यानी बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों हाल ही में, मुख्य सचिव, याद रखिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आमिर सुभानी को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। दुर्गा शंकर मिश्रा को हाल ही में यूपी का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, यानी चीफ सेक्रेटरी। और त्रिपुरी शरण इससे पहले थे, याद रखिए, आमिर सुभानी से पहले बिहार का चीफ सेक्रेटरी कौन था दोस्तों, त्रिपुरी शरण। ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको ये याद करने की जरूरत है कि आमिर सुभानी नए बने हैं। और विजय कुमार देव दोस्तों ये हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, याद रखिए, दिल्ली के मुख्य सचिव हैं विजय कुमार देव, याद रखिए, आप देख सकते हैं आमिर सुभानी की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, चाइना हैज ओपन्ड एम्बेसी इन विच कंट्री आफ्टर नेशन ब्रेक्स टाइज विद ताइवान। तो हाल ही में चाइना ने तय करा है कि वो अपनी एम्बेसी इस देश में खोलेंगे, क्यों? क्योंकि इस देश ने हाल ही में ताइवान के साथ अपने रिश्ते जो हैं तोड़ दिए हैं। आपको पता है चाइना जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और इसीलिए जो भी कोई देश अगर ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है तो चाइना उससे रिलेशन नहीं रखता। तो हाल ही में इस देश ने ताइवान के साथ रिलेशन तोड़ दिए हैं ताकि चाइना के साथ प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करे जा सके। तो दोस्तों हाल ही में चाइना ने अपनी नई एम्बेसी खोली है निकारागुआ में। कहां दोस्तों? निकारागुआ में, क्योंकि निकारागुआ ने ताइवान से अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या है, हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं निकारागुआ की लोकेशन, ये है मेक्सिको, और मेक्सिको के नीचे ही है दोस्तों ये निकारागुआ, यहाँ पे कोलंबिया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद, ये विश्वविद्यालय कौन से राज्य में खोला जाएगा दोस्तों, इसका फाउंडेशन स्टोन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ले किया है दोस्तों।
दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में ये यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। कौन सी? मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय खोला जाएगा। और उत्तर प्रदेश के दोस्तों कौन से जिले में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरठ जिले में। कौन से? मेरठ जिले में। यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जिला पता होना चाहिए कि मेरठ जिले में खोली जाएगी दोस्तों। ठीक है, केरला ने हाल ही में हेल्थ इंडेक्स में टॉप करा है। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ दोस्तों याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, याद रखिए दोस्तों। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने हाल ही में झांसी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का किसे नया MD और CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतुल कुमार गोयल को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में मिलेंगे। कहाँ? न्यू दिल्ली में मिलेंगे। और पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है दोस्तों? टैगलाइन है दोस्तों द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। दोस्तों एग्जैक्ट टैगलाइन मैं अभी भूल रहा हूँ, बट ऐसे ही करके है, द बैंक करके कुछ है दोस्तों, भूल रहा हूँ थोड़ा सा, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि PNB की टैगलाइन क्या है, PNB की टैगलाइन क्या है दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारत का किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर के पद पर किसे नियुक्त किया गया हाल ही में दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विक्रम मिश्री को हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, MM नरवाने को हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नियुक्त किया गया था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत ये हमारे अभी हाल ही में चाइना के अम्बेसडर बने हैं। हमारे भारत के अम्बेसडर कहां में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? चाइना में। कौन? प्रदीप कुमार रावत को। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं विक्रम मिश्री की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर इन रीडिंग अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021। तो हाल ही में पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए रीडिंग पुरस्कार 2021 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डेनिस सिद्दीकी को ये अवार्ड मिला है। क्या? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला है? डेनिस सिद्दीकी को। और इनका दोस्तों पिछले साल ही निधन हो गया था। कहां पे दोस्तों? अफगानिस्तान में। कहां दोस्तों? अफगानिस्तान में, जब ये अपना वहीं पे वर्क कर रहे थे जर्नलिस्ट का तब वहीं पे इनका डेथ हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए डेनिस सिद्दीकी को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अकॉर्डिंग टू नासा पोटेंशियली हजार्डस बिल्डिंग साइज एस्ट्रॉइड टू शूट पास्ट अर्थ। तो हाल ही में नासा ने प्रिडिक्शन करी है, भविष्यवाणी की है कि एक बहुत ही खतरनाक जो है एस्ट्रॉइड जो है धरती के पास से गुजर सकता है, या उसको धरती को टच भी कर सकता है, जिससे धरती पे थोड़ा नुकसान हो सकता है। कब तक ये पोटेंशियली हजार्डस जो एस्ट्रॉइड है कब टच करेगा धरती को दोस्तों? कौन सी डेट को एक्सपेक्टेड है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 11 जनवरी को माना जा रहा है, नासा द्वारा बोला जा रहा है कि 11 जनवरी को ये एस्ट्रॉइड धरती को टच कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं नासा किसकी स्पेस एजेंसी है दोस्तों? USA की, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु स्मैशेस फर्स्ट इंटरनेशनल 100 ऑफ 2022। तो हाल ही में 2022 का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक किसने लगाया है दोस्तों हाल ही में? ठीक है, पहला 2022 का अंतरराष्ट्रीय शतक किस क्रिकेटर ने लगाया दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेवॉन कॉनवे ने लगाया है 2022 का पहला शतक, अंतरराष्ट्रीय शतक, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं, और ये डेवॉन कॉनवे कौन से देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड के। हाल ही में एक प्लेयर न्यूज में रहते जिनका नाम था रोस टेलर। क्या? रोस टेलर। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट घोषित कर दिया है कि ये क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। कौन? रोस टेलर। रोस
टेलर कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। क्या दोस्तों? वेलिंगटन। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? जैकिंडा। कौन है दोस्तों? जैकिंडा जी, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फाइन ज़ियोमी ओप्पो कुड फेस फॉर वायलेटिंग इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तो हाल ही में भारत सरकार ने बोला है कि ज़ियोमी और ओप्पो कितने रुपए का फाइन जो है इनकम टैक्स द्वारा, इनकम टैक्स लॉ द्वारा फेस कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ए, यानी 1000 करोड़ का फाइन ज़ियोमी और ओप्पो फेस कर सकते हैं दोस्तों। और ज़ियोमी ओप्पो कहाँ की कंपनी है आपको पता है? चाइना की। कहाँ की? चाइना की। और चाइना में ही 2022 में बीजिंग ओलंपिक्स होने वाले हैं। बीजिंग ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किस किस कंट्री ने करा है? यूएसए ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने करा है दोस्तों। ये ठीक है, इन चारों देशों ने क्या करा है? डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों जापान नहीं है, न्यूजीलैंड होगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों 1000 करोड़ का फाइन बोला है, लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच क्रोर रिकॉर्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन इन इंडिया सीज इन दिसंबर 2021। तो हाल ही में 2021 के दिसंबर मंथ में कितने रिकॉर्ड का यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है? कितने रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है दिसंबर महीने में? याद रखिए दिसंबर 2021 के महीने में कितने करोड़ का नुकसान वो यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8.26 लाख करोड़ का क्या हुआ? यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे यहाँ डिजिटल माध्यम से, भारत में डिजिटल माध्यम से बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं 8.26 लाख करोड़ का यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्रीज फूड इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड हाई एमिड शॉर्टेजेस। तो हाल ही में किस एशियाई देश की खाद मुद्रास्फीति की कमी के बीच रिकॉर्ड उच्च हिट हुई है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। याद रखिए फूड इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई हो रखा है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या? कोलंबो, याद रखिए दोस्तों। नेपाल की काठमांडू, ठीक है। जापान की टोक्यो और बांग्लादेश की ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी है टका। क्या दोस्तों? टका, याद रखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई है दोस्तों, 22.1% हो चुका है ज्यादा, ठीक है दोस्तों। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जे स्तंभ लोकेटेड वेयर लैक्स ऑफ पीपल ऑन सैटरडे 1 जनवरी 2022 पे ट्रिब्यूट्स ऑन द 204th एनिवर्सरी ऑफ द भीमा कोरेगांव बैटल। तो हाल ही में एक स्तंभ है दोस्तों जिसका नाम है जय स्तंभ। ये दोस्तों भारत के किस जिले में, भारत के किस जिले में स्थित है? क्योंकि यहाँ 1 जनवरी को लाखों लोग इकट्ठा हुए थे भीमा कोरेगांव लड़ाई की, कितनी, कौन सी एनिवर्सरी, 204वीं वर्षगांठ को, वर्षगांठ पर इकट्ठा हुए थे ताकि श्रद्धांजलि वो लोग अपनी अर्पित कर सके। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है, 204वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो ये दोस्तों आपको बताना है जय स्तंभ जो है कौन से राज्य में और भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और पुणे डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है दोस्तों? कहाँ आता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन बैटर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर 2 कैटेगरीज एट द एनुअल आईसीसी अवार्ड्स। तो हाल ही में भारत के कौन से क्रिकेटर को दो कैटेगरीज के लिए क्या नॉमिनेट किया गया है दोस्तों, ठीक है, आईसीसी एनुअल अवार्ड्स के लिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना को नॉमिनेट करा गया है। ये क्रिकेटर हैं, याद रखिए भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ठीक है। और इनको कौन कौन से अवार्ड के लिए नॉमिनेट करा गया दोस्तों? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। और दूसरा कौन सा दोस्तों? शी हैज ऑल्सो बीन नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। याद रखिए दोस्तों T20 और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट्स गवर्नर हैज लॉन्च्ड अ बॉक्स फॉर सजेशंस एंड ग्रीवेंसेस एट द गेट ऑफ राजभवन। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य के राज्यपाल ने
राजभवन के गेट पर सुझावों और शिकायतों के लिए एक बॉक्स लॉन्च किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी तेलंगाना के गवर्नर ने लॉन्च करा है। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। मैंने अभी दोस्तों अभी बताया था उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर आपने लेक्चर सही से सुन रहे हैं तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था उत्तराखंड के गवर्नर, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और तेलंगाना की गवर्नर है दोस्तों तमिलसाई सुंदरराजन है यहाँ की गवर्नर, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज प्लानिंग चीपर इजियर वीजास फॉर इंडियंस फॉर ट्रेड डील विद इंडिया। तो हाल ही में कौन से देश ने तय करा है कि वो भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए भारतीयों के लिए क्या आसान और सस्ते वीजा की योजना बना सकते हैं और बना रहे हैं दोस्तों। कौन सा देश ये बना रहा है योजना ताकि भारतीय लोगों को, ठीक है, व्यापार करने के लिए आसानी से और सस्ते वीजा मुहैया कराए जा सके। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूके बना रहा है ये योजना दी दोस्तों, ठीक है। यूएई ने हाल ही में दोस्तों अपने देश में 4.5 दिन का वर्किंग डे कर दिया है दोस्तों, ठीक है, 4.5 डे का वर्किंग डे, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन। तो हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का नया सीईओ किसको नियुक्त किया गया दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विनोद कनन को हाल ही में नया विस्तारा का सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन था दोस्तों, इससे पहले थे लेस्ली थांग, याद रखिए लेस्ली थांग इससे पहले थे। और अतुल कुमार गोयल को हाल ही में मैंने बताया पीएनबी का क्या नियुक्त किया गया है, सीईओ, याद रखिए, ठीक है। हरजिंदर सिंह को क्या अपॉइंट करा गया दोस्तों, बीजिंग ओलंपिक के लिए इंडिया के शेफ द मिशन का हेड अपॉइंट किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं विनोद कनन की तस्वीर दोस्तों। ये था आज का हमारा लेक्चर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।